प्रोफेशनल बिजनेस सिग्नेचर को क्रिएट कैसे करें। जब भी आप किसी को मेल भेजे, मेल के नीचे आपने बहुत बार इस तरह से ब्यूटीफुल फॉर्मेट में या सिग्नेचर टाइप देखा होगा, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि जब भी आप किसी को मेल भेजे बाय डिफॉल्ट इस तरह का पिक हो जाए, उसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट लिखो, जैसे मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखूंगा और उसके नीचे बाय डिफॉल्ट रहे। अगर आप भी किसी को इस तरह से बिजनेस सिग्नेचर भेजना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप ये चीज कैसे कर सकते हो कि जब भी आप किसी को मेल भेजो, जैसे मैं यहाँ कट कर रहा हूँ, कट करके मैं कंपोज पे जाके दोबारा कोई मेल क्रिएट करता हूँ, ये देखो बाय डिफॉल्ट फिर से मेरे सामने ये आ चुका है। ठीक है, अगर आप भी ये करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। ठीक है, इसको करने के लिए हमारे स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है क्या, गूगल डॉक्स। आपको सर्च करना है गूगल डॉक्स, ठीक है, एंड देन गूगल डॉक्स में साइन इन टू गूगल डॉक्स कर लेना। मैं क्लिक करता हूँ इस पे एंड देन गूगल डॉक्स की इंटरफेस पे आ जाऊंगा। आपको यहाँ प्लस पे जाके एक नई डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, प्लस पे जाके आपको एक नई डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर लेनी है। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसी के नीचे आपको कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कहाँ पे जाना है, आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करके आपको टेबल पे क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दो की टेबल ले रहा हूँ, 2 × 1, आपको मैं दिखाऊंगा इसका रोल क्या है। ठीक है, ये मैंने जैसे टेबल ले ली। ठीक है, टेबल लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ फाइल पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ फाइल पे जाने के बाद या फिर आप जाओ इंसर्ट पे इमेज, इंसर्ट इमेज एंड देन अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। इसके बाद आपके कंप्यूटर खुल जाएगा, आपको कंप्यूटर में से अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेरे पास कोई भी एक इमेज होगी, मैं उस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे एक इमेज को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी अभी शायद कंप्यूटर स्क्रीन नहीं दिखी होगी क्योंकि मैं माई कंप्यूटर में था तो तब उसकी स्क्रीन नहीं दिखती है, मेरे थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ ग्लिच है। ठीक है, बट आपको वहां पे कंप्यूटर का डैशबोर्ड खुल जाएगा, आपको माई कंप्यूटर खुल जाएगा, उसके बाद आपको एक इमेज को सेलेक्ट कर लेना आपके लैपटॉप में से कंप्यूटर में से। ठीक है, जैसे मेरी एक इमेज सेलेक्ट होगी, अब आपको राइट साइड में जैसे ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे आपका नाम क्या है, नाम आपका है केशव, आप जो भी लिखना चाहते होंगे। ठीक है, आपका ईमेल क्या है, ईमेल आपकी जैसे है hi@keshavdimri.com, keshavdimri.com। ठीक है, इसके बाद क्या आपका नंबर क्या, आप ये सारी चीज डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आपको पसंद आ रहा है वो सब आप आराम से फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर मैंने इस तरह से सब कुछ फिल कर दिया। ठीक है, जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। देखो, आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप चाहो तो वर्टिकल कॉलम्स ले लो। ठीक है, इसी के नीचे आप बना सकते हो, या आपके ऊपर आपको किस तरह का डिजाइन देना है। ठीक है, बट मैं आपको नॉर्मल सा फॉर्मेट बता रहा हूँ आप कैसे करोगे। ठीक है, जैसे मैंने ये डिजाइन कर लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे ये लाइनें हटानी है, देखो थोड़ा सा इसे मेरे हिसाब से छोटा करना चाहिए, देखो थोड़ा इसको हम चिपका देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे हम यहाँ से चिपका दिया जैसे मैंने। ठीक है, अब ये लाइनों को हटाना है आपको, लाइनों को हटाने के लिए आपको इन लाइनों पे क्लिक करना है। जैसे मैंने लाइन पे क्लिक किया, जैसे मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये खुद देगा बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ पे क्लिक करना है, 0 पॉइंट कर देना। अब ये देखो 0 हो चुकी है लाइन, लाइन नील हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आपको इस पे जाना है, 0 पे चले जाना है, इस तरह से आपको इस पे जाना है एंड देन फिर से 0 पे चले जाना है। फिर से मतलब इन सारी लाइन को जल्दी से मैं सेलेक्ट करके इनकी बॉर्डर विड्थ कितनी कर देता हूँ, बॉर्डर विड्थ इन सब की नील कर देता हूँ, इन सब की बॉर्डर विड्थ 0 कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास अब 2 लाइन रहेगी, इन दोनों लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कर देता हूँ एंड देन सेलेक्ट करने के बाद मेरे सामने आ चुका ब्लैंक, मेरे सामने पूरा ही ब्लैंक आ चुका। अब मैं इसको करूंगा कॉपी, आपको ब्यूटीफुल बनाना है, मैंने तो यहाँ पे कोई भी ज्यादा डिजाइन विजाइन नहीं किया है। अगर आप डिजाइन करना चाहो आराम से कर सकते हो, बट इधर जाके टेबल लेके एंड देन उसे प्रॉपर डिजाइन कर दो एंड देन प्रॉपर डिजाइन करने के बाद उसकी बॉर्डर विड्थ को हटा दो। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको कर लिया कॉपी, अब ये जो भी होगा अब इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया है, कॉपी यहाँ से इजिली कर दिया। अब कॉपी करने के बाद आपको कहाँ जाना है, अपनी ईमेल बॉक्स को ओपन कर लेना है, अपनी जीमेल ईमेल को ओपन कर लेना है एंड देन यहाँ जो सेटिंग्स दिख रही है सेटिंग्स वाले टैब पे क्लिक करना है। सेटिंग्स वाले टैब पे क्लिक करने के बाद सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, ठीक है, आपको यहीं पे जनरल के अंदर ही थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ दिख रहा होगा सिग्नेचर का ऑप्शन, मैं पुराने वाले को डिलीट कर देता हूँ, एक नया सिग्नेचर क्रिएट करके दिखाता हूँ।
आपके सामने कुछ इस तरह से सिग्नेचर का दिखेगा, ठीक है। नो सिग्नेचर, आपको यहाँ करना क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू। जैसे मैं अपना केशव का नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैं केशव के नाम से सिग्नेचर बना रहा हूँ, खाली ये नाम है, इसका लेना देना नहीं। यहाँ पे जो व्हाइट है इसमें आपको पेस्ट करना है इस सिग्नेचर को, जो भी आपका सिग्नेचर है इसको पेस्ट करना है। जितना ज्यादा अच्छी स्टाइलिंग करोगे उस तरह से आप कर सकते हो। पेस्ट किया एंड देन सिंपल आपको क्या कर देना, बस, ठीक है। आपने जैसे ही पेस्ट किया, इसके बाद आपको करना है यहाँ पे सिग्नेचर डिफॉल्ट फॉर न्यू ईमेल्स ओनली केशव, केशव को सेलेक्ट कर देना क्योंकि मैंने नाम दिया केशव, ठीक है, लेकिन जाएगा ये, ठीक है। इसको केशव करने के बाद एंड देन आपको सीधा करना है सेव चेंजेस। जैसे ही आप ये सेव चेंजेस कर देते हो, आपका ये सिग्नेचर इंप्लीमेंट हो चुका है। ये देखो, अब मैं कंपोज पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं कंपोज पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये आ चुका है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, आप इस सिग्नेचर को जितना हो सके बढ़िया बनाओ। कहाँ पे जाके? गूगल डॉक्स में जाके। कहाँ? गूगल डॉक्स में जाके। एक और तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ थ्री कॉलम्स भी ले सकते हो। क्या? एक टेबल के कितने कॉलम? थ्री कॉलम। ये देखो, जैसे मैंने अभी एक में ही कर दिया था, ठीक है। आप इसको ले जाके आप एक में कर सकते हो, दो में कर सकते हो, तीन में कर सकते हो, आपके ऊपर है, ये आप कैसे बढ़िया करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देखो अभी थोड़ा सा गलत हो चुका है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, इन सबको हटा के मैं यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देन फिर से टेबल पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको थ्री टेबल का डिजाइन आप के हिसाब से कर लो, ठीक है, इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। अब जब भी ईमेल भेजोगे, ईमेल के नीचे बाय डिफॉल्ट ही आ रहा होगा, उसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट जो भी होगा उसको पेस्ट करके रखो एंड देन टेक्स्ट पेस्ट किया एंड देन आपने क्या किया, कंटिन्यू किया, आपका काम खत्म, सिंपल। आपको यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे यहीं पे दिखा देता हूँ, जैसे मेरा यही टेक्स्ट है, ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आप जब भी किसी को मेल भेजोगे, ठीक है, ये तो सिग्नेचर बाय डिफॉल्ट रहेगा, बट आपका जो ऊपर का कॉलम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ऊपर का आपको जो भी लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे, जो भी ईमेल लिखोगे वो रहेगा, प्लस नीचे जो है आपका जो भी जैसा भी सिग्नेचर रहेगा वैसा रहेगा। बेसिकली सिग्नेचर ज्यादातर कंपनीज की, आप जब भी मेल देखोगे ऐसा सिग्नेचर मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा सिग्नेचर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप प्रोफेशनल बिजनेस सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो मुझे। बेसिकली आपका डिपेंड करेगा डिजाइन कितना ज्यादा बढ़िया सोचो, ठीक है। अगर आपको डिजाइन कैसा सोचना है इसके बारे में अगर आपको सोचना है तो यहाँ पे सिंपल आपको गूगल पे जाके ये सर्च कर लेना है, प्रोफेशनल बिजनेस सिग्नेचर फॉर जीमेल। क्या लिखना? प्रोफेशनल बिजनेस सिग्नेचर फॉर जीमेल। आपको इस तरह से गूगल पे जाके सर्च करना है, आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। देखो इस तरह से आप बना सकते हो, आप क्या बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। अगर स्टिल किसी के कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके डाउट्स एड्रेस हो जाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर किसी को कोई और वीडियो देखनी हो तो वीडियो प्लेलिस्ट में उसे लिंक दे दूंगा, वीडियो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं।